इस वक्त इंडिया का मुकाबला है इंग्लैंड के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है दूसरा T20 मैच। इंडिया ने टॉस हेड किया और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। तो चलिए देखते हैं पहली बॉलिंग किसको देते हैं कैप्टन इंडिया के, जो वर्तमान के कैप्टन है। दो अंपायर्स फील्डिंग साइड और इसी के साथ बुमराह को बुमराह करने के लिए बॉलिंग, मतलब पहला ओवर दिया गया है। पहली ओवर की पहली बॉल डालते हुए बुम बुम और ये मारने का प्रयास, लेकिन कोई फील्डर को पीट करेगी, कोई रन नहीं मिला। नेक्स्ट बॉल रविंद्र जडेजा आए हुए हैं और ये पहली मतलब लास्ट बॉल थी ओवर की और ये 4 रन मिल चुके हैं इंग्लैंड को। और अंपायर 4 रनों का इशारा करते हुए अब आए हैं, कौन आया भाई भाई आया है क्या 4 रन आया है भाई, 4 रन 4 रन मिल गए भाई। नदीप सैनी आए हैं अपना ओवर और भाई आउट है, पैड पे लगी है। अबे डियास ले लो बे, पैड पे नहीं लगी है, आउट नहीं है भाई, डियास ले लो बे चिमगांडियो। वाह DRF ऐसे आ किया, डियास ले लिया और ये थर्ड अंपायर के पास गए। थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि आउट है या नहीं। फास्ट मोशन में वीडियो प्ले हो चुका है, अंपायर आउट है, आउट है भाई साहब, आउट। पिचिंग इन लाइन, पिचिंग इन लाइन, विकेट्स हिटिंग, वाह विकेट हिटिंग नवदीप सैनी, विकेट हिटिंग, पहली विकेट इंडिया को मिलती हुई, इंग्लैंड ने अपना पहला रिव्यू गवा दिया, मजा आ गया। और इसके साथ तालियों से भरा स्टेडियम खचाखच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद में बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फिर से आए हैं बुमराह, लेकिन बैट्समैन ने इनको खुद बुमराह कर दिया और 6 रन मार दिए अंपायर ने, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। नेक्स्ट बॉल और ये भी 6 रनों के लिए गई स्टेडियम के पार, हेलीकॉप्टर शॉट, वेरी गुड। अंपायर दो अंपायर ऊपर, मतलब दो अंपायर नहीं, दो हाथ ऊपर, यूजी चहलाए हुए हैं, बैकफुट पे खेल दिया, 4 रनों के लिए जाएगी। फील्डर दौड़ रहे हैं दो, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, 4 रन मिलेगा। और इसी के साथ हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है इंग्लैंड के बैट्समैन, 3 चौके 6 छक्के भाई साहब, मानना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट क्लीन बोल्ड विकेट भाई, सलाम करो इंडियन आर्मी को सलाम, वाह भाई वाह, क्या विकेट ली है, आह महत्वपूर्ण विकेट, वाह 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 वाह, विकेट, विकेट की तो इंडिया को तलाश है इस मैच को जीतने के लिए। और ये डायरेक्ट बॉल लगी, हार्दिक पांड्या आए बॉलिंग कराने के लिए और ये करा दिया और ये 4 रनों के लिए बॉल जाती हुई। इस वक्त इंग्लैंड के हो चुके हैं 3 विकेट्स, मतलब 3 चले गए जासूसी बल्लेबाज। बुमराह आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं, और इस बार बैकफुट पे खेला और सीधा पीछे के प्लेयर को कैच दे बैठे, वाह तालियों से हुआ स्वागत, स्वागत 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 नहीं करोगे हमारा, बिल्कुल करेंगे भाई साहब, स्वागत ही तो हो रहा है, ये देखो 9 गेंदों में 10 रन बना के पवेलियन बल्ला हलाते हुए जा रहे हैं मजा आ गया भाई साहब। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा था कि बॉल सीधा चली गई 4 रनों के लिए, लेकिन नहीं भाई साहब, फील्डर ने कैच पकड़ लिया बिल्कुल आराम से, कीपर से मिसिंग, लेकिन पीछे वाले से कहां मिसिंग होगी। नेक्स्ट बॉल और ये उठा दिया, 6 रनों के लिए बॉल जाती हुई, कोई दर्शक ही नहीं है वहां पे, अबे कोई दर्शक ही नहीं है समझो। रविंद्र जडेजा आए हुए हैं, बॉल के दिए और ये रन लिया भाई, आउट है लगता है, अंपायर क्या डिसीजन हो, अंपायर आउट दे रहे हैं, वाह भाई गजब गजब बेइज्जती इंग्लैंड की, गजब बेइज्जती, मुझे लग रहा है आउट नहीं है क्योंकि आ चुका है बैट्समैन। चलिए देखते हैं क्या होता है बाकी रिव्यू, मतलब रिव्यू नहीं, 5 गेंदों में 22 रन बनाए भाई साहब इसने, ओपी भाई, ये विकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए रिप्ले आ चुका है, देखते हैं क्या होता है भाई साहब, फील्डर आ पाया कि नहीं, वो भाई आ तो गया, अबे आ गया, अबे अंपायर पे पगला गया, अंपायर पागल है,
अंपायर पागल है। रविंद्र जडेजा नेक्स्ट बॉल और ये उठा दिया है हेलीकॉप्टर शॉट, बैक फुट में नहीं खेला, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा साइड में लेके खेला है और 6 रन। और इसके साथ इंग्लैंड ने एक पारी में बनाए हैं कितने रन, चलिए आगे खुद दिखाएगा कितने रन बने। और इंग्लैंड ने एक पारी में मतलब 120 गेंदों में 181 रन बनाए, 5 विकेट खोके। इंडिया आई, रोहित शर्मा बैटिंग पे, उनका साथ देने आए हैं शिखर धवन, धमाधम। और ये पहली बॉल डॉट बॉल, भाई गेंद ना पियो, गेंद मत पियो, स्कोर बहुत बड़ा है, मैच जीत जाओ क्योंकि पहला मैच हार चुके हो बहुत बुरी तरीके से। ओ भाई अबे हो का रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हुई कार हो है, एक कई दिशा में छक्का छक्का बैठ रहे लंडन के, देखो इसी के साथ देख लो भाई, क्या यार मानना पड़ेगा अब तो। ये ले अंपायर उठा देने ना, नेक्स्ट बॉल, अरे यार इंग्लैंड गई, अब इंग्लैंड को इस बार धो दिया है मैच में, इंग्लैंड हारेगी भाई साहब बहुत बुरी तरीके से। 3 ओवर में 6-8 रन, यानी कि कितने रन भाई, जोड़ो जोड़ो, 3 ओवर भाई, इंडिया जीत गई, इंडिया के लिए एक ताली, गजब देश की गजब तालियां। इसी के साथ फिलर तालियां बजाते हुए जो बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम की में, मतलब देख रहे हैं मैच को लाइव, और अंपायर भाई विराट कोहली ने 10 बॉल्स पे 52 रन, हाफ सेंचुरी, देखते हैं विराट कोहली इस मैच में अपना शतक जड़ पाते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि विराट कोहली ने शतक जड़ दिया तो कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखते रहें। ओ भाई बढ़ लिया, अरे भाई गया, देखते हैं अंपायर क्या देता है, वो आउट। अब ऐसा ले चिमगांडी बढ़ा क्यों था आगे, अब देख ले, देखने कितने रन बनाए इन्होंने। अबे शेर सैयर, 1 गेंद 0 रन, अबे पहले मैच में तो हाफ सेंचुरी मारी थी, अब तो बिल्कुल पवेलियन ही चले गए भाई। छाया हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लैंड करेगा दर्शकों के पास, और ये 6 रन, हम पैर हाथ ऊपर करो, आह वाह, अबे सेंचुरी लग गई 21 बॉल में, 13-6, गजब भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब, ऐसे शॉट देख के दिल खुश हो जाता है। ला 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 ला। और ये सामने की तरफ खेल दिया है, फील्डर भाग रहे हैं लेकिन 4 रन नहीं रोक पाएंगे, और इंडिया के खाते में 4 रन जाते हुए और तालियां बजाते हुए, क्योंकि इंडिया मैच जीत रही है तो तालियां तो बजेंगे ही, अगर हार जाते तो हाथ में हाथ लेके बैठ जाते। क्या भाई भाई कौन सा गया, अबे चिमगांडी खड़ा क्यों हो रहा है, बे बैठा रहे, ज़्यादा जोश मत दिखा, 6 रन है, चल रवलाए हैं, और ये 6 रन मार दिया, और इसी के साथ इंडिया ने 8 ओवर में इस मैच को अपने नाम कर लिया है, मतलब जीत गई इंडिया मैच भाई, नो प्रॉब्लम, बाउंसर थी बॉल। और इसके बाद इंडिया ने 7 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया, इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली, जिन्होंने तूफानी पारी खेल कर अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो विराट कोहली ने 29 गेंदों में 136 रन बनाए, आपको स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रहे होंगे, कृपया एक वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देखें, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड लक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।